हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ एक नवरात्रि सीरीज़ जिसमें मैं 9 डेज़ में 9 डिफरेंट लुक्स क्रिएट करूँगी और 9 डिफरेंट कलर्स के साथ क्रिएट करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट कलर मैंने चूज़ किया है येलो। इससे पहले मैंने एक वेलकम वीडियो डाला था, उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आए मैं दे दूँगी, तो ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं कलर बार के परफेक्ट ब्लर प्राइमर से, और इसे मैं अपने यूजुअल प्लेसेस पर अप्लाई करूँगी टू मैटिफाई माय फेस। एंड देन यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 130 बफ बेज। तो इसे मैं अपनी ब्रश की मदद से अप्लाई करके एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है प्लस स्टे करता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो इसलिए मैंने आज ये फाउंडेशन यूज़ किया है। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इन्फेलेबल फुल वेयर कंसीलर इन द शेड 317 आलमंड, और इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी जैसे कि आईलिड्स, अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स, चिन, फोरहेड वगैरह पे। और इसके साथ थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ 314 बेज शेड और ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बेज थोड़ा सा सटल है और जो आलमंड शेड है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप करता है, थोड़ा येलो टोन में है तो कवर भी अच्छे से करता है। सो मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मैं मैक्सिमम कवरेज मिल सके, जो भी पिगमेंट है वो सब अच्छे से कवर हो जाए। तो मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, और इफ अगर मुझे नीड पड़ी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है तो मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार पैट कर दूँगी ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। मैंने इसके बाद स्की ब्यूटी का HD सेटिंग पाउडर से पूरे फेस को सेट करूँगी और अच्छे से सेट करूँगी क्योंकि नवरात्रि लुक है तो डांस करते हैं तो काफ़ी यू नो स्वेट करते हैं, तो इसीलिए मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं पूरे फेस को टैप मोशन में इस पाउडर से सेट कर रही हूँ। देन यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर और अपने यूजुअल ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग, जहाँ भी मुझे नीड है। लाइक चबी चिक्स है मेरे तो थोड़ा सा वहाँ पर जॉ लाइन्स पे, फोरहेड क्योंकि बहुत बिग है तो उसको थोड़ा सा कट आउट कर दूँगी एंड नोज़ पर भी, तो मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट लगती है अकॉर्डिंग टू माय फेस स्ट्रक्चर तो मैं वो कर रही हूँ। देन मूविंग टू दी आईज़, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लैक्मे एब्सोल्यूट का माइक्रो ब्राउ पेंसिल और इसका शेड है ब्राउन, और इसे मैं अपनी आईब्रोज पे पहले लोअर लाइन क्रिएट करूँगी देन अपर लाइन क्रिएट करूँगी एंड देन इसके बाद गैप्स को फिल कर। देन यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का फायर पैलेट और इसमें से येलो कलर पिक करके अपनी ओवरऑल आईलिड पर येलो कलर को पैक करूँगी। मैं इसे टैप मोशन में अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम कलर अचीव हो। देन ये लेकर के यू कैन बी का पैलेट है, इसमें से ये पिंक शेड लेकर के अब मैं अपनी क्रीज और आउटर व्यू में येलो के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि कॉम्बिनेशन ये अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी साड़ी में पिंक कलर ही की बॉर्डर दी हुई है तो मैंने उसी को यूज़ करते हुए ये लुक क्रिएट किया है। देन पिंक को थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ ताकि जो क्रीज एरिया है वो अच्छे से डिफाइन हो जाए एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा येलो ना मिक्सअप हो गया है तो थोड़ा सा उसको पॉपअप करने के लिए थोड़ा सा और येलो कलर लेकर के पैट कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ पिंक के साथ। देन थोड़ा सा इसमें ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, ये प्रेस ग्लिटर है येलो शेड में, उसको बहुत ही लाइटली पैक करूँगी। देन सेम पिंक शेड अपनी लोअर लैश पे अप्लाई करूँगी और येलो के साथ उसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि सेम इफेक्ट नीचे भी नज़र आए। देन मैं ले रही हूँ मेबलिन का आई स्टूडियो जेल लाइनर और विंग क्रिएट करूँगी, थोड़ा मीडियम साइज़ का विंग क्रिएट कर रही हूँ पर लाइनर बहुत ही थिन है जस्ट टू हाइड माय बैंड, और विंग क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये और अच्छे से पॉपअप हो। देन प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन में एंड इसके बाद जूम एंड वूश मस्कारा अप्लाई करूँगी अपनी लैशेस पे, और इसी के साथ फॉल्सीज भी मैं अप्लाई करूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का टिंकल पिंक मैट ब्लश, टिकल पिंक इसका शेड है, और करूँगी एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में।
एंड ग्लैम 21 टोटल इफेक्ट का हाइलाइटर पैलेट लेकर के, इसमें से ये गोल्डन हाइलाइटर है उसे लेकर के अपने हाइस्ट पॉइंट पर अप्लाई करूँगी, जैसे कि चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स चिन एंड फोरहेड पर, इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन्स पर भी मैं अप्लाई करूँगी इसे। देन लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये लिप कलर और इसे मैं अपनी लिप्स पर अप्लाई करूँगी, पर ये मुझे थोड़ा सा डार्क कर लग रहा था तो इसे मैं सेटल डाउन कर रही हूँ मेबलिन के से इन द शेड रिंग लीडर। एंड हियर कम्स माय फाइनल लुक। होप आप लोग को ये लुक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस तरह की सीरीज पसंद आए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।